सो हे गाइस हाय, अभी कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देख लिया होगा मुझे कि मैंने आप लोगों के साथ में अपना मार्केट वाला ब्लॉग शेयर किया था। शिवालय गई थी तो हम लोग मतलब मैं और मेरी फ्रेंड गए थे शिवालय। मार्केट होकर आए तो मार्केट से बहुत सारे सामान लेकर आए थे, तो वो ब्लॉग तो मैंने वहाँ से एंड कर दिया था शिवालय के मार्केट वाला, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग बन जाता। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग बहुत लंबा बन जाएगा, ब्लॉग को मैं वहीं से एंड कर देती हूँ। अब छोटा सा ब्लॉग मैं एक आप लोगों के साथ में ये शेयर कर देती हूँ कि शिवालय में बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसी मिलती। मेरे पास रिक्वेस्ट भी आई थी बहुत लोगों की कि चीपेस्ट मार्केट बताइए आप अपने कानपुर में कि क्या मिलता है, मतलब बहुत ही सस्ता चीज़ क्या मिलती है, मतलब कौन सी ऐसी मार्केट है जहाँ पर आप लोग बहुत ही ईजिली प्राइस में सारी चीज़ें अवेलेबल अच्छे से आप ले सकते हो, हर चीज़ अच्छे से मिल सकती है। तो वो मैं आप लोगों ने ब्लॉग में तो देख ही लिया होगा कि कितनी सस्ती सस्ती चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई हैं कि कितने अच्छे रेट में वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सिर्फ बार्गेनिंग कराने के ऊपर होता है, क्योंकि मार्केट ऐसी कोई नहीं है जहाँ पर एक ही फिक्स प्राइस रखे। हाँ, कुछ शॉप ऐसी होती हैं जो फिक्स प्राइस होती हैं, बट वहाँ पर बहुत सी ऐसी शॉप हैं जहाँ पर नॉर्मल मतलब अगर आप बार्गेनिंग कराओगे तो वो हाफ रेट में भी आपको मिल जाती हैं। सो सबसे पहले मैं इस ब्लॉग को भी ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूँगी, छोटा ही बनाऊँगी। तो मैं यहाँ सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ कि मैंने सबसे पहले क्या लिया है। सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ, मैं सबसे पहले गई थी बहुत सारी शॉप में गई हूँ, देखा है मैंने, बट वहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें लाई हूँ क्योंकि मुझे अभी और भी लानी है। कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैंने थोड़ी चीज़ें ली हैं, थोड़ी चीज़ें मुझे और भी लेनी है, बट ये ब्लॉग मैं अभी बना रही हूँ, कल मैं और भी लाऊँगी चीज़ें, तो वो मैं बाद में आप लोगों को शेयर करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं लेकर आई हूँ ये वाला चोकर, ये आप लोगों ने देखा होगा मैंने वहाँ पर पसंद किया था, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, तो इसको दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने खोल कर देखा है, पहना भी है, मुझे बहुत अच्छा लगा, सच बता रही हूँ बहुत अच्छा लगा। इसकी जो ये मांग टीका है, सॉरी उल्टा है, ये क्या आपको पहनना है, आपको पहनना है, देखो मिट्टी कह रही मुझे पहनना है, ये देखो इस तरह से मिट्टी को दिखाती हूँ। आ मिट्टी इधर आओ, मिट्टी कह रही इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, पहना है, देखो मिट्टी को पहनाते हैं, मिट्टी को पहना कर दिखाती हूँ आप लोगों को। कितना प्यारा बच्चा लग रहा है ना, लगा रहने दे, लियो भैया ये कह रही है लगा रहने दो, इनके लगा रहने दो कह रही है, चलो दिया मिट्टी कह रही है लगा रहने दो। तो यहाँ पे ये मांग टीका था, और यहाँ पे इयररिंग्स भी है, यहाँ पे पैरट बोल रहा है मेरा, पैरट को आप लोगों ने देखा होगा ना मेरे रक्षाबंधन वाले ब्लॉग में, मेरे सबसे छोटा भाई है वो, बहुत क्यूट सा, बहुत पुराना हो गया है पता है, ये देखो बोल रहा है मिट्टू बउआ। ये देखो यहाँ पे ये है चोकर मेरा, इस तरह से है, और ये इसके इयररिंग्स दिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने ये पूरी तरह से खोला नहीं था, सिर्फ मैंने सेट निकाला था और मांग टीका निकाला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सेट भी बहुत अच्छा है। ये देखिए इसका जो प्राइस है, मुझे जिस प्राइस से मिला उन्होंने बताया तो था मुझे 650 का बताया था, बट मैंने बार्गेनिंग करा के मैंने कहा देना हो दो, अब नहीं देना तो मैं जा रही हूँ आगे देखूँगी जाकर, तो उन्होंने फिक्स रेट में मुझे दे दिया था, 500 में दे दिया था उन्होंने मुझे। तो कैसा लगा आप लोगों को 500 में ये पूरा, इतना अच्छा लगा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे यही वाला कलर चाहिए तो मैंने ये वाला कलर लिया हुआ है, और अब दिखाती हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों को नेल पेंट। नेल पेंट मैं यहाँ पर 4 लेकर आई हूँ, और एक रेड वाली कहाँ है, एक तो ये मेरी 4 नेल पेंट है जो मैं लेकर आई हूँ। नेल पेंट आप देख सकते हो, मुझे नेल पेंट का शौक तो नहीं है, बट मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा, मिट्टी को बहुत नेल पेंट का शौक है, मतलब इतना नेल पेंट का शौक है आप लोग देखते होंगे, डेली ब्लॉगिंग में वो नेल पेंट लगाती है। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ मैं नेल पेंट कौन कौन सी लेकर आई हूँ। ये मेरी सिल्वर ऑल टाइम फेवरेट है जो मैं लेकर आई हूँ, ये है रेड, और ये है ये येलो, ये है ग्रीन, तो ये सारी नेल पेंट मैं लेकर आई हूँ। और मुझे सिल्वर तो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ, ग्रीन और येलो मैं इनके लिए लेकर आई हूँ, और ये मैं नेल पेंट इसलिए लेकर आती हूँ, ये नेल पेंट आप लोग बताओ, आप लोग गैस करो कितने की होगी, गैस करो, आप लोग गैस करो, तब तक मैं आप लोगों को और भी दिखाती हूँ कुछ। ये नेल पेंट लेकर आई हूँ, मुझे बहुत मतलब सिल्वर तो मैं लेकर आ गई थी, मैं इसलिए लेकर आती हूँ ना कि ये मिट्टी जो मेरी नेल पेंट है वो 2 दिन के अंदर अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर नेल पेंट ख़राब करने का चैलेंज इसको अगर दिया जाए तो 2 दिन के अंदर अंदर नेल पेंट पूरी ख़राब कर देगी, सुखा देगी, ख़राब कर देगी, बहा देगी, चादर में लगा देगी, कपड़े में लगा देगी, हम लोगों के हाथ पैर में लगा देगी, मतलब नहला देती है पूरा नेल पेंट से, ये समझ लो आप। तो नेल पेंट इसके लिए मैं लेकर आई हूँ ये वाली, इनके लिए भी अब लेकर आना पड़ता है अभी से, और ये मैं अपने लिए लेकर आई थी, और आप लोगों ने गेस कर लिया कि नहीं किया। तो अभी मैं बता देती हूँ आप लोगों को, ये 50 रुपीज़ की है, मतलब 15 रुपीज़ की, 15 रुपये की है, 15 रुपये की नेल पेंट है ये, आप लोग देख लो 15 रुपये की, अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी है नेल पेंट, 15 रुपये की सारी है, ये येलो वाली भी है, ग्रीन वाली भी है, रेड वाली भी दे नहीं रही है यहाँ पर, क्योंकि इसकी नेल पेंट बहुत फेवरेट है, इतनी सस्ती है, मतलब इतनी अच्छी है। ये मिट्टी के लिए मैं चिमटियाँ लेकर आई थी ये वाली,
ये वाली लेकर आई थी मैं, और ये जो चिमटी है, ये चिमटी देखो इसे बनी हुई है स्ट्रॉबेरी, हाँ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है। ये मिली है 30 रुपए की। हाँ बच्चों की चीज़ें थोड़ी कॉस्टली मिलती है, वो तो हर जगह मिलती है कॉस्टली। ये 30 रुपए की है, ये झूठ बता रही है, 30 रुपए का है ये, 30 रुपए की मिली है। और अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ अब मेरे इयररिंग्स, ये आप लोग गैस करो कितने के होंगे। ये देखो ये वाले जो मिले हैं, ये वाले रुपये मतलब चल तो बहुत रहते हैं मेरे पास, गोल वाले जो होते हैं ना इतने बड़े वाले, वो वाले रखे हुए हैं, सारे रखे हुए हैं। बट अभी मैं जो लेकर आई हूँ, मैंने कहा थोड़ा ट्रायंगल वाला सेप लिया जाए यार, गोल वाला तो बहुत चल चुका है, बहुत पुराना हो चुका है। अब मेरा थोड़ा डिफरेंट पहनने का मन था, ओह शिट, थोड़ा डिफरेंट पहनने का मन था, मैंने कहा चलो ये वाला लिया जाए। कैसे लग रहे हैं आप लोगों को ये ट्राइंगल वाले? मुझे ट्राइंगल बहुत सारे आए हैं, हार्ट शेप में भी आए हैं, स्टार शेप में भी आए हैं, और रेक्टेंगल में भी आए हैं, बहुत सारे शेप में आ गए हैं। बट मुझे ये ट्राइंगल बहुत अच्छा लगा तो मैं ट्राइंगल में लेकर आई हूँ। और ट्राइंगल ये जो मुझे मिले हैं, ये मुझे उन्होंने बताया तो 70 रुपीज़ थे, मैंने बार्गेनिंग कराई, मुझे 50 रुपीज़ के मिल गए। 50 रुपीज़ के मेरे ये ट्राइंगल वाले हैं। और अभी मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ बिंदी, पीछे किचिर पीछे चल रही है इनकी। यहाँ पे बिंदिया मैं लेकर आई हूँ, बिंदिया मेरी, हाँ 2-3 पैकेट लेकर आई हूँ। एक ये वाली है, ये वाली बिंदिया। हाँ आप लोग मुझे ब्लॉगिंग में थोड़ा कम देखते होगे, रील्स में देखते होगे बिंदियों में मुझे, क्योंकि जो लोग मुझे रील्स में भी फॉलो कर रहे हैं उनको मैं बता रही हूँ। अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम आईडी है diksha_singh0815। तो अभी मैंने नेम चेंज नहीं किया, नेम चेंज करने के लिए सोच रही हूँ, इसलिए आप लोग जल्दी से फॉलो कर लो, नहीं मैं नेम चेंज कर लूँगी तो आप लोग देख नहीं पाओगे। तो ये है मेरी बिंदी रेड कलर में, बहुत अच्छी लगी मतलब, मुझे इस तरह की बिंदी बहुत अच्छी लगती हैं, इस तरह की सिंपल में छोटा सा स्टोन लगा होता है, मतलब इससे ना फेस बहुत अच्छा लगता है। एक ये है, ये जो मिली है 10 रुपये का पैकेट है ये वाला, सोच लो आप ये 10 रुपये का है। और ये देखो आप, मतलब कितनी छोटी बिंदी है, ये आप बताओ कितने की होगी। ये इतनी बड़ी है और ये छोटी है, मतलब ये कॉस्टली है, ये सही है, ये 10 रुपये की मिल गई है। ये वाली मुझे मिली है 15 रुपीज़ की, 15 रुपीज़ की है ये वाली, क्योंकि ये छोटा साइज़ है ना, मुझे छोटे साइज़ बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब इतना ही छोटा साइज़ मैं लगाती हूँ, मुझे इतना छोटा साइज़ सही लगता है। और एक था कलरफुल था, उसमें चार मतलब होता है ना उस टाइप में, मतलब बहुत सारे कलर होते हैं, वो है वो रख दिया है मिट्टी ने, मिट्टी की वजह से छुपा दिया, क्योंकि मिट्टी वाले बहुत पसंद आ रहे थे। यहाँ पर मिट्टी के लिए लेकर आई हूँ ये वाली मूर्तियाँ सजाने के लिए, इनको सजाने के लिए, क्योंकि अब मैं जाती हूँ खुद सजने के लिए तो लेकर आती हूँ, इनको सजाने के लिए लेकर आती हूँ। ये वाली लेकर आई हूँ और एक पैकेट इसने हटा दी है, ये वाली पैकेट लेकर आई थी, ये वाली मोतियाँ भी, ये भी मोतियाँ हैं, इसको इस तरह से लगाते हैं, दिखा देती हूँ मैं अपने हेयर में, क्योंकि ये तो लगाने से रही तो मैं ही अपने में लगा कर दिखा देती हूँ अच्छे से आप लोगों को। जिससे तो लगा कभी नहीं यार, ये देखो मैंने इस तरह से मोती यहाँ पर लगाई, मतलब आप लोगों को दिखानी थी तो मैंने इस तरह से लगा ली है। इसको यहाँ पे मिट्टी को सजा कर मतलब अच्छे से लगाऊंगी। ओह शिट, ये देखो मेरा एक बाल निकल आया, एक बाल टूट गया, एक बाल की कीमत तुम क्या जानो। ये मेरे बाल देखो तो, एक मिनट बेटा, इतनी सारी मिली हैं इसमें, कितनी है काउंट करने दो, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, और 6 है इसमें है 10। ये मिली 10 रुपये की और ये मिली है 15, ये मिली है 15 की, ये वाली सिल्वर वाली, दोनों ही अच्छी है। मैं लेकर आई, ये वाली और पैकेट ले रही थी बट जिनकी शॉप में गई थी उनके यहाँ ख़त्म हो चुकी थी, और पूरे शिवाले मुझे सिर्फ एक शॉप में मिली, मुझे कहीं मिली नहीं, मैंने कहा हटाओ यार, नहीं मिली तो चलो यही ठीक है, ये बहुत है। तो ये लेकर आई हूँ, अभी और भी कुछ लाना है सामान, तो बहुत सारा लाना है अभी, बट अभी लाई नहीं हूँ, मुझे बहुत सारा सामान देखती हूँ वो नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। बट अभी जो मैं लेकर आई हूँ, और अब जो मैं लेकर आई हूँ, ये लेकर आई थी मैं एक स्लीपर, ये वाली कैसी लग रही हैं आप लोगों को? सिंपल सी हैं और बहुत ही अच्छी हैं, इस तरह से सिंपल लेकर आई हूँ। ये देखो कितने, मतलब आप लोग गैस करो कितने की होंगी। बहुत अच्छी लगी मुझे ये स्लीपर, सिंपल मतलब इस तरह की सिंपल, और मुझे पता है फ्लैट स्लीपर बहुत अच्छी लगती हैं, हील वाली मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, कि मैं पहनती नहीं हूँ, जब कोई पार्टी वगैरह होती है तो ही मैं वेयर करती हूँ, अदरवाइज मैं वेयर ही नहीं करती, मुझे इस तरह से बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखो एक और दिखा रही हैं यहाँ पर, ये जो मिली है मुझे, दोनों ही स्लीपर सेम प्राइस में है, एक ये है और ये मैं जूती लेकर आई हूँ, ये ओपन वाली है और ये जूती, वाई मैं पहन कर नहीं दिखा पाओगे आप, ये जूती है, ये जूती में दिखा रही है ये वाली, दोनों ही मुझे मिल गई हैं 300 में, दोनों ही मिलाकर 300 मिल गई मुझे, मतलब अच्छी मिल गई हैं।
सही में ये वाली तो कॉस्टली थी जो जूती थी, उसको मैंने बार्गेनिंग कराई, मैंने बार्गेनिंग में तो जानते हो पूरी इंडिया ही आगे है, बार्गेनिंग के बिना तो इंडिया चलती नहीं है। बट हाँ, जो बॉयज़ होते हैं, मैं इनके साथ में इसलिए नहीं जाती हूँ, मैं अकेले जाती हूँ शॉपिंग करने, खुद के लिए लेना होता है तो, क्योंकि ये बार्गेनिंग नहीं करने देते हैं। मुझे बार्गेनिंग करना बहुत पसंद है, मैं बार्गेनिंग जरूर करती हूँ, कहीं भी जाऊँगी बार्गेनिंग जरूर करूँगी, इसलिए मैं लेकर आती हूँ। मैं फ्रेंड के साथ में जाती हूँ तो मुझे ये वाली जो जूती है, ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, ये मेरे लिए लेकर आई हूँ। अब वो तो मम्मी की साइज़ की है तो मम्मी पहनेंगी वो वाली, वो मेरे साइज़ की नहीं, मेरे साइज़ ये वाला आता है। ये भी मुझे मिल गई थी, मुझे ये तो दे रहे थे वो 250 की, मैंने कहा आप दे दो बस इतने, दुकान से आपकी दुकान में आए ये वो करके, मतलब फला फला फला, ये इनको बहुत पसंद है, ये यही पहनेंगी। तो चलो इतनी सारी चीज़ें लेकर आई हूँ, अभी मैंने और भी चीज़ें कल लेकर आऊँगी, वो देखूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, अगर शेयर कर पाई तो कर पाई फिर शेयर करूँगा। अभी व्लॉग को मैं यही सेंड करती हूँ, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, चीपेस्ट प्राइस है मैंने आप लोगों को शेयर किया है शिवाले का, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और लाइक करना कैसे क्या कुछ कहना चाहती हो बोल दो, क्या कहना चाहती हो बेटी? आपने अपनी फ्रॉक नहीं दिखाई ना, आओ यहाँ पे खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं दिखाया जाता है, यहाँ पे खड़े हो जाओ पहले, मेरे ऊपर खड़े हो, मेरे ऊपर खड़े हो, स्लीपर उतारो पहले अपनी आप, वरना मुझे बिगड़ाओगे अपने भी आपको बिगड़ाओगे, नहीं दिखाओगे फ्रॉक, अच्छा आओ खड़ी हो, नहीं दिखाएगी फ्रॉक। चलो ब्लॉग को मैं यहीं सेंड करती हूँ, मिलती मैं आप लोग, क्या 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 कहाँ कहाँ, ये देखो खड़ी हो गई है फ्रॉक, ये देखो फ्रॉक, ये ये इनकी मम्मा ने और इनकी फ्रेंड मतलब मेरी फ्रेंड मिलकर बनाई है ये वाली फ्रॉक, अच्छी लग रही थी। तो चलो ब्लॉग को मैं यहीं से जरूर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून, अगर ब्लॉग को बड़ा अच्छा हो जाएगा आप देखोगे नहीं जल्दी से, बाय बाय गाइस, वीडियो को लाइक करना जरूर, ठीक है, शेयर करना, बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून।